पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर रहा है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर, तो मिनिमम टेम्परेचर में भी अभी जो नो लार्ज चेंज देखा गया ज्यादातर जगह, अभी भी कुछ कुछ जगह अगर देखे जाए 24 आवर में तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, विद इन 1 डिग्री के अंदर रहा है प्लस माइनस में। और जो नॉर्मल की बात करें तो जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तो तापमान हमारे बढ़ गए हैं, बाकी इंटीरियर में कुछ कुछ जगह है जहाँ पर मतलब नॉर्मल से कुछ जगह पे फॉल है, कोरापुट जैसे डिस्ट्रिक्ट में, केवल जैसे डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी जगह में अबव नॉर्मल, नॉर्मल के आसपास ही जो तापमान है बने हुए हैं। सबसे कम तापमान जो फुलवानी, सुंदरगढ़, केवंझर में 10 डिग्री से दर्ज किया गया है, और कोरापुट जो हिल स्टेशन है 6.5 डिग्री से दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में 16 डिग्री से दर्ज किया गया है, कटक में 15.5 डिग्री से दर्ज किया गया है। उसके अलावा राउरकेला में जो विजिबिलिटी थी 40 मीटर रही है, इसके अलावा वेरी डेंस फोग में ऑब्जर्वेशन आई है। उसके अलावा डेंस फोग जो कि 50 से 50 to 200 मीटर की विजिबिलिटी रही है, उसमें फुलवानी डिस्ट्रिक्ट शामिल है एक जगह। उसके अलावा शैलो टू मॉडरेट फोग 8 जगह ऑब्जर्व की है, जिसमें कोरापुट, टिटलागढ़, भवानीपटना, झारसूगुड़ा, सोनपुर, केवंझर, भुवनेश्वर और पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन ये शामिल है। फिलहाल अगर उड़ीसा की अगर बात करें, कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले 7 दिन में तो ड्राई वेदर रहने की संभावना है। इसके अलावा जो डे 1 डे 2 है वहाँ पे पूरे उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पे शैलो टू मॉडरेट फोग होने की संभावना है। इसलिए डे 1 डे 2 यानी 25-26 की सुबह और 27 सुबह में शैलो टू मॉडरेट फोग रहने की संभावना है। उसके बाद इसमें अगर डे 1 और डे 2 में येलो वार्निंग भी दी गई है, डेंस फोग एक दो आइसोलेटेड पॉकेट हो सकती है, उसमें जो हमारा जो डे 1 यानी कि कल सुबह 26 तारीख को ये अंदाजा है कि ये कोस्टल उड़ीसा पूरा और उसके साथ सटे हुए केवंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, ढेंकनाल, अनुगुल, ये जाजपुर, सोनपुर, बोध, कंधमाल, कालांडी, बोलांगीर और कोरापुट, ये सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड पॉकेट पे डेंस फोग होने की संभावना है, येलो वार्निंग दी। इसी प्रकार 27 तारीख को मॉर्निंग में भी जो है डेंस फोग होने की संभावना है आइसोलेटेड पॉकेट पे, उसमें भी जो हमारे झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, अनुगुल, ढेंकनाल, जाजपुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जैसलमेर, कटक, खुर्दा, पुरी, नयागढ़, गंजम, गजपति, बोध, सोनपुर, बोलांगीर, कालाहांडी, कंधमाल, लवरंगपुर और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट शामिल है। भुवनेश्वर की बात करें, भुवनेश्वर का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। उसके अलावा सुबह मॉर्निंग में फोग और मिस्ट होने की संभावना है, उसके अलावा क्लियर स्काई रहने की संभावना है।